बीएड प्रवेश परीक्षा 2019 महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों को परीक्षा नोडल केंद्र बनाया गया है। इसी क्रम में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों को लेकर संवाद भवन में बैठक की गई। बैठक में गोरखपुर विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी के साथ कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, प्रतिकुलपति एसके दीक्षित, कुल सचिव एससी शर्मा, नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज तिवारी, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव समेत महाविद्यालयों के प्रबंधक और प्राचार्य मौजूद रहे। संवाद भवन में मौजूद केंद्र व्यवस्थापकों को संबोधित करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी ने बताया कि बीएड की होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए शहर में 102 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों की संख्या देखते हुए इस बार शहर से बाहर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों से परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटे पहले पहुंचने की अपील की गई है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। जिले के विभिन्न केंद्रों पर 50,727 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कॉलेज के प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे मेन सड़क से जहां कॉलेज की ओर का रास्ता कटता है वहां पर बैनर लगाकर कॉलेज का नाम, सेंटर कोड और किस अनुक्रमांक से कहां तक यहां परीक्षा होनी है उसका उल्लेख जरूर करें। कॉलेज जाने के लिए आगमन की सुविधा का भी ख्याल रखेंगे। प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी ने केंद्र व्यवस्थापक के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए बताया कि उन्होंने योजना बनाई थी कि लड़कियों के लिए शहर के अंदर ही केंद्र बनाए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कई प्रवेश पत्रों पर केंद्र के नाम के साथ लिख दिया गया है कि वह महिला केंद्र है, जबकि ऐसा नहीं है। हर केंद्र पर महिला पुरुष दोनों ही परीक्षा होगी। बैठक में सम्मिलित महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि महिपाल सिंह ने केंद्र व्यवस्थापकों से अपील करते हुए कहा कि ये परीक्षा प्रदेश सरकार की परीक्षा है और आप सब इस परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करा देंगे। प्रवेश परीक्षा की जो पुस्तिका रोहिलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है उसमें सभी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसके कुछ आवश्यक जो बिंदु हैं जिनकी ओर आपका ध्यान आकर्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं उन सभी बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। वैसे आप सभी अनुभवी हैं उन परीक्षाओं को कराने के लिए, लेकिन बीएड जैसी परीक्षा में खासा ध्यान रखा जाता है। सर्वप्रथम जिला प्रशासन से आए हुए जो प्रतिनिधि हैं, उनको ये सूचना देनी है या सूचना दी जा रही है कि जो डबल लॉक ट्रेजरी है इस बार, जहां कि उनको 4:15 पर उपस्थित होना है 15 तारीख को 102 केंद्रों की सामग्री इन्हीं जिला प्रशासन के सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा केंद्रों तक पहुंचाई जानी है। इसलिए कृपया जिला प्रशासन के जो प्रतिनिधि हैं जिनकी की इस परीक्षा के संचालन के संबंध में ड्यूटियां असाइन की गई हैं, वे 15 तारीख की सवेरे 4:15 पर जो डबल लॉक ट्रेजरी है वो विश्वविद्यालय प्रांगण में ही इस बार बनाई गई है। ये डबल लॉक ट्रेजरी दीक्षा भवन के ठीक बगल में जो कन्वेंशन सेंटर है विश्वविद्यालय का, उस कन्वेंशन सेंटर में आप 4:15 पर सभी रिपोर्ट करेंगे और वहां पर जो जिला प्रशासन की टीम होगी जिन्होंने आपके रूल्स निर्धारित कर रखे हैं वो आपको बॉक्सेस वहां पे सौंपेंगे और उन बॉक्सेस को प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात पुनः यहीं पर वापस लेकर के आप आएंगे जो फिजरी यहां पर जिला प्रशासन ने क्रिएट की है। इसलिए कृपया ध्यान दें कि आपको अपने बॉक्सेस को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में स्थित कन्वेंशन सेंटर पर आना है जो दीक्षा भवन के ठीक बगल में स्थित है। कन्वेंशन सेंटर पर पहुंचने के लिए आपको विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने के लिए जो सीधी बाहर रोड जा रही है गोल्फ पेट्रोल पंप से होती हुई इलाहाबाद बैंक के चौराहे की ओर, वहां पर एक गेट है जो बंद रहता है, वो गेट कुछ दिन ऑपरेटर रहेगा और इस गेट को एक्सक्लूसिवली सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए खोला जाएगा, जहां से उनके वाहन प्रवेश करेंगे और वहीं से उनके वाहन वापस बाहर निकलेंगे सामग्री को लेकर के। शाम की पाली के पैकेज भी यहीं से जिला प्रशासन के प्रतिनिधि लेकर के जाएंगे और शाम की परीक्षा समाप्त होने के बाद भी पुनः विश्वविद्यालय के ही कन्वेंशन सेंटर पर वे वापस लेकर के अपने पैकेज को आएंगे। जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के लिए एक अभी अभी
जो सूचना दी गई है कृपया आप लोग उसको नोट करें कि आपको जिन रूट्स पर जाना है उन रूट्स के विषय पे, उन सेंटर्स के विषय में जिला प्रशासन के इन सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स को जानकारियां दे दी गई है। अगर सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव को रूट को लेकर के किसी प्रकार का कोई असमंजस हो या कोई कंफ्यूजन हो कि कॉलेज का रूट उनके समझ में नहीं आ रहा है तो उनको किस केंद्र पर पहुंचना है उस केंद्र पर केंद्राध्यक्ष महोदय का फोन नंबर और केंद्राध्यक्ष का नाम भी अंकित है। केंद्राध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है। इस मीटिंग के तुरंत समाप्त होने के पश्चात आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान हो, रूट ना समझ में आ रहा हो, कहाँ पहुंचना है, किस रास्ते से पहुंचना है, अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो अभी अभी ये प्रशासन एटीएम सिटी कार्यालय के द्वारा ये सूचना दी गई है आप लोगों को बताने के लिए कि आप उक्त अपने केंद्राध्यक्ष के साथ यहीं पर बातचीत करने और रूट के विषय में किसी प्रकार का कोई भी संशय हो तो उसको क्लियर करें। रूट का ये संशय क्लियर किया जाना इसलिए आवश्यक है किसी भी कक्ष में अप्रयुक्त पुस्तिका या ओमआर मौजूद ना रहे और इसके ठीक 15 मिनट के बाद 45 मिनट में आप को जो व्हाट्सएप नंबर मिला हुआ है जिससे आपका निरंतर आप तक सूचनाएं जा रही हैं केंद्राध्यक्षों तक, उस नंबर पर आप अपने यहाँ अनुपस्थिति एब्सेंटी कितनी है ये आप अवश्य दे दें 9:45 तक होते होते। जैसा कि प्रोफेसर हिमांशु ने बताया, बड़े विस्तार से बताया, सारी चीजें बताई, आप परीक्षा बंद कराते रहते हैं, सीपीएमटी की, मेडिकल की, एलआईसी की, यूपीएससी की, ऑलमोस्ट ट्रेंड लगभग एक ही रहते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, तो डॉक्टर ने बड़े विस्तार से सारे बिंदुओं पर ध्यान देकर के बताया और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे कर्मठ लोग इसको संपादित कर लेंगे क्योंकि अंत में व्यवहार कुछ चीजें ऐसी होती हैं दिशा निर्देश देने के बाद निर्णय अपने आप ही लेना पड़ता है, लाख बताइए लेकिन अंत में वो निर्णय अपने आप लेना पड़ता है, तो जो वर्तमान स्थितियां होती हैं उसके अनुरूप आप मुझे उम्मीद है कर लेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कार्ड के 3 स्ट्रीट है, जैसे गांव में छप्पर होता है, कोई छप्पर जिसका होता है उसके अकेले मुद्दे की बात नहीं उठा रहे, छप्पर उठाने में 10-20 लोग बुलाए जाते हैं, लोग धीरे से वो बेगत नारा दिए और पूरा छप्पर उड़ जाता है, तो उसी प्रकार से ये छप्पर है, ये महायज्ञ है, इस महायज्ञ में आप सबका सहयोग चाहिए और मुझे उम्मीद है ये बीएड प्रवेश परीक्षा क्या है इससे बड़ी परीक्षाएं आप जनजाति में टाल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कार्य जो है बड़े कोऑर्डिनेशन का है, ये परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन की है, यूपी गवर्नमेंट की परीक्षा, यूपी गवर्नमेंट की नजरें वेलफेयर रेटिंग पर है, वेलफेयर रेटिंग नजरें तमाम विश्वविद्यालय पर, झांसी विद्यापीठ और मेरठ, कानपुर और गोरख तमाम यूनिवर्सिटी पर है और ये गोरख यूनिवर्सिटी के नीचे जो है क्वाइंटर नोडल अफसर, नोडल कोऑर्डिनेटर है, उसके नीचे जो है केंद्राध्यक्ष हैं, उससे जुड़े केंद्राध्यक्ष हैं, उनके देख रेख के लिए ऑब्जर्वर्स हैं और ऑब्जर्वर की देख रेख में केंद्राध्यक्ष के नीचे आपके लीडर होंगे, फिर छात्र होंगे, आप देखिए ये पूरी टीम लगी हुई है, एक चेन बनी हुई है और इन सबको सपोर्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सब लोग लगे हुए हैं, रेलवे लगा हुआ है, रोडवेज लगा हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं, तो सारे लोग लगे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है किंचित मात्र संदेह नहीं कि परीक्षा सही ढंग से नहीं हो पाएगी, ये सही ढंग से होगी, इतने लोग लगे हैं, एक 56 रुपये परीक्षा एक मिनट में संपादित हो जाएगी और गोरखपुर वालों के लिए हौसले की बात है, ये परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन की है और उत्तर प्रदेश शासन इस समय गोरखपुर में ही रहता है, इस नाते कि आप जब भी परीक्षा है आप ये संपादित कर लेंगे, मुझे आपके बल, शौर्य और आपके विशेषता, अनुभव और विश्वास है आप कर लेंगे। इसके बाद दो तीन चीज बताना चाहूंगा, मैंने ये भी कहा कि प्रोफेसर हिमांशु जैसे लोग परीक्षा करा चुके हैं, बड़े कर्मठ हैं और ये इतने कर्मठ लोग अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से बाकी कुलपति जी, कुलपति जी परेशान कर्मठ जब मिला है और हनुमान जी की तरह इनके लिए बस लज्जा लाखना कोई है नहीं, ये निश्चित रूप से इनके सब सत्यनाम है और ये परीक्षा करा लेंगे, इनका उत्साह देख करके मैं और उत्साहित हूँ। आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे
ये खिलाड़ी जो है बिना क्वारंटाइन काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार जितनी गंभीर क्वारंटाइन है, तो अगर आप इतना क्वारंटाइन बनाए रहे कि आपको सफलता मिलेगी निश्चित रूप से, कहीं शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बस ये है कि आपको जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं उसको आप पढ़ लें। ये बुकलेट आपके पास होगी, इस बुकलेट को सबके लिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका अलग अलग कहीं गिरगा खर्च के लिए परिवेक्षण के लिए सबके लिए दे दिए गए हैं ऑलमोस्ट एक या डेढ़ घंटे के सबके लिए। तो वही एक डेढ़ पढ़िए, चार साल में सारी बातें बता दी हैं और वो चीज़ें जो है ध्यान में रखिए और वो हो जाए, किसी कोई बात नहीं है, कोई नई चीज़ में है नहीं। पर दो तीन चीज और है, एक ये जो इस साल नए केंद्र बने सभी लोग जैसे एसएस हुआ, एएस हुआ, इंजीनियर हुआ, ये लिख के देंगे कि हमारा कोई पढ़ाया हुआ विद्यार्थी या जिसको मैं ट्यूशन कर रहा हूँ या हमारा कोई भी निकट संबंधी या हमारा कोई भी वार्ड परीक्षा में बैठ नहीं रहा है, आपसे निवेदन है ये करवा करके केंद्र अध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी होगी, इसको करा दे। आप कराती हो नई बात नहीं है।